hello guys this is mufti Lashari on is academy youtube channel kindly subscribe our youtube channel uh, guys today we are discussing about the jobs of pakistan army so candidates say रिक्वेस्ट है कि सबसे पहले हमारा जो चैनल है वो सब्सक्राइब कर दें उसके बाद जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर दें एक बार ताकि हर नोटिफिकेशन आपको बासानी मिल सके हमारी वो अकेडमी है हमारा वो यूट्यूब चैनल है जो हर गरीब बंदे को भी सपोर्ट करेगा और जो जॉब्स नोटिफिकेशन और जो इश्यूज आ रहे हैं उनके हवाले से हम इसमें बात करते हैं और डिफरेंट काइंड्स सब ऑफ सब्जेक्ट के हवाले से भी हम बात करते हैं तो ये आप लोगों का फ़ायदा है आप लोगों को ही फ़ायदा मिलता है हमारे नोटिफिकेशन से हमारी बातों से तो काइंडली इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर भी करें और हमें ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें और दोस्तों के साथ भी शेयर करते रहें तो आज हम बात करेंगे कि देखें बहुत सारी जॉब्स आ रही हैं जैसे कि अभी लास्ट मंथ है तो याद रखें जो लास्ट मंथ्स होता है किसी भी ईयर का तो उसमें बहुत सारी ऐसी जॉब्स आती हैं या फिर कोई ऐसी ऐसे जो पॉलिटिशियंस होते हैं वो जा, जा रहे होते हैं मतलब उनका फाइनल डेज होते हैं वहाँ पे ठीक है तो उनके हवाले से या फिर आर्मी में देख लें पुलिस में देख लें एंटी नार्कोटिक्स में देख लें ठीक है बहुत सारे ऐसी सर्विसेज हैं जिसमें भी जिसमें जैसे कि पीटीएस हो गया ओ हो गया एनटीएस हो गया ठीक है बहुत सारी ऐसी सर्विसेज हैं जो टेस्ट लेती है उनके वाले से भी ये लास्ट डेज जो भी होते हैं नवंबर और दिसंबर इसमें बहुत सारी जॉब्स आती हैं तो काइंडली मसला ये है कि आप एक दो मिनट अगर किसी की बात सुनते हैं तो कोई ऐसा इशू नहीं है तो आपको फ़ायदा ही मिलने वाला है तो ज़्यादा टाइम नहीं लेते बात करते हैं पाकिस्तान आर्मी की तो इसमें बहुत सारी ऐसी कैटेगरीज जॉब्स आई हैं जिसमें आप फॉर्म जो है वो फिल करवा सकते हैं और मैं ये आप लोगों को रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर कोई ऐसा कैंडिडेट्स है जिसके जो शरीर या जो ब्लड है उसमें कोई ऐसी हरकत है या फिर फिज़िकली वो फ़िट नहीं है तो ऐसी फोर्सेस में ना जाए तो फोर्सेस में उसका जाना मतलब फजूल है क्योंकि एयर फोर्स जैसे कि हो गया नेवी हो गया और आर्मी हो गया ये फोर्सेस जो भी हैं वो फोर्सेस जो हैं थोड़ा टिपिकली हैं उनके हाले से जो फिज़िकली अनफिट है तो उनको तो मतलब कि अनफिट ही कर देंगे और इंटरनली जो ब्लड ब्लड में पार्टिकल्स होता है या फिर वही कोई और कोई इशू है तो उसको भी नहीं लेंगे जो फ़िट हैं जो फ़िट कैंडिडेट्स हैं उनके हवाले से आज हम बात करेंगे कि भाई जिसने इंटर पास किया हुआ है सिक्सटी मार्क्स से लेकर अप नाइनटीन तो नाइन्टी फाइव तक तो उनके लिए बहुत सारी अच्छी कैटेगरीज़ में जॉब्स आई हैं तो बात करते हैं जॉइन पाक आर्मी एज ए कमिश्नर ऑफिसर कमीशन ऑफिसर तो इसमें इंटर के पास आप अगर यूनिवर्सिटी नहीं जा रहे किसी भी एल जो जनरल यूनिवर्सिटीज है या एम में सिलेक्शन नहीं होती तो घबराना नहीं है कोई मसला नहीं है बहुत सारी ऐसी जॉब्स हैं जिसमें आपका काम हो सकता है आप तैयारी करते रहें तो पीछे नहीं हटना ठीक है तो जॉइंट पाक आर्मी एज ए कमीशन ऑफिसर साल में दो बार ऑफिसर्स की सिलेक्शन होती है ये याद रख लें मैंने बता दिया कि भाई ये लास्ट मंथ तो वो उसमें लाजमी सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जो लास्ट वाले हैं उसमें तो आती हैं मगर इनका रूल है मार्च अप्रैल और सितंबर और अक्टूबर में ये जो है वो इसमें जॉब बेचते हैं मतलब साल में दो बार सिक्स सिक्स मंथ के लिए कमीशन देते हैं आ, तो साल में बारहवीं जमात पास फॉर इंटरमीडिएट जो इंटरमीडिएट हो चुका है जो इंटर जिसने क्लियर कर दिए ना उनके लिए बस वी और अच्छी अपॉर्चुनिटी है आप इसको ट्राई करें ज़रूर ऑप्शन है तीन पहला आ, course, है कि पाकिस्तान पी एम ए लॉन्ग कोर्स ठीक है एज है सेवेंटी सेवनटीन टू ट्वेंटी टू ईयर्स जिसकी एज जो है सेवनटीन से लेकर ट्वेंटी टू ईयर तक है बीच में है तो वो फॉर्म फिल सबमिट करवा सकता है या सेवेंटी uh, प्लस है या ट्वेंटी ट्वेंटी टू जो उनसे थोड़े पीछे है एक दो मंथ तो, तो वो भी अप्लाई कर सकता है उसमें मसला नहीं है उसके लिए शर्त यह है कि इंटरमीडिएट विथ सिक्सटी मार्क्स एफ एफ ए सी एनिकेंट तो सिक्सटी मार्क्स जो है वो होना लाजिम है ठीक है हाइट जो होती है वो फाइव फोर्स चार इंच मतलब के फाइव पॉइंट फोर इंच या फाइव इंच जो है वो उसमें अपीयर हो सकता है ये हो गया ऑप्शन नंबर वन और ऑप्शन नंबर टू है टी टी सी सी टेक्निकल कैडिट कोर्स एज हमारी है सेवेंटी सेम ही है ट्वेंटी वन ईयर यहाँ पे एक जो ईयर है वो डिक्रीज कर दिया है इंटरमीडिएट विथ सिक्सटी फाइव मार्क्स फॉर प्री इंजीनियरिंग कैंडिडेट्स ओनली तो प्री इंजीनियरिंग वों को मैं एक सजेशन देना चाहता हूँ अगर आप मान लें या ना माने वो आपकी दिलें कि भाई अगर आप लोग किसी भी यूनिवर्सिटी में इंटरेस्टेड नहीं है आपका या फिर कॉलेज साइड डिग्री कोई कर रहे हैं तो इस हवाले से अभी तो डिग्री भी कॉलेज साइड नहीं हो रही बी एस या बी वो मैंने अगले वीडियो में बता दिया था तो आप इज... मतलब के किसी भी यूनिवर्सिटी में नहीं जा रहे ना कोई मसला नहीं है आप फोर्स ज्वाइन कर लें बहुत सारे ऐसे इदारे हैं जो इंटर के पास वो उठाते हैं ठीक है जॉब्स आ रही हैं एन टी की ओ की उनके वाले से तो आप किसी ना किसी जो जॉब है उसमें अप्लाई करते रहें आपका काम हो सकता है अगर यूनिवर्सिटी में इंटरेस्ट नहीं है या यूनिवर्सिटी में सिलेक्शन नहीं हो रही ये भी बात होती है सिलेक्शन नहीं हो रही तो कोई मसला नहीं तो ये आपके लिए बस बढ़िया अपॉर्चुनिटी है और उसके बाद इसमें भी फाइव फुट और चार इंच हैं ऑप्शन नंबर थ्री है मेडिकल कैडट्स जो कैडेट्स होते हैं मेडिकल वाले वो भी फॉर्म फिल कर सकते हैं जो इंटर इंटर मेडिकल में होता है उनके लिए एज है सेवेंटीन ट्वेंटी वन ईयर इंटरमीडिएट विथ सेवेंटी मार्क्स इसमें यह लाजम है कि भाई आपका सेवेंटी मार्क्स प्लस हो मीनस के ए ग्रेड हो तभी जाके आप मेडिकल कैंडिडेट्स यहाँ पे लाइक like, ऑफिसर uh, uh, ही बनते हैं नर्सिंग के हवाले से या फिर ऐसे ही कैंडिडेट्स के जो इंटरमीडिएट uh, जो है वो मेडिकल में किया हुआ है तो वो मेडिकल ही फील्ड में टेक्निकल में जाएंगे तो उनके हवाले से ये चीज़ ऐसी है अपीरियस सर्टिफिकेट जो कैंडिडेट्स हु पासड एफ पार्ट वन एग्जामिनेशन विथ मिनिमम सिक्सटी सिक्सटी परसेंट मार्क्स फॉर अभी एम एंड सिक्सटी फाइव फॉर टी सी टी सी सी सेवेंटी फॉर एम एन एंड इन द एफ एस सी पार्ट टू कैन आल्सो अप्लाई और ये खुशखबरी मैं आपको दे दूँ कि यहाँ पे इस फोर्स में जो पाकिस्तान आर्मी है उसमें यह बोला जा रहा है कि भाई अगर आपका सिक्सटी परसेंट जो है वो फर्स्ट ईयर में परसेंटेज है तो वो बंदा भी अप्लाई कर सकता है और सेवेंटी परसेंट जो है वो टेक्निकल जो सिस्टम है टीसीसी टेक्निकल सी टेक्निकल कैडिट कोर्स है उनके वाले से भी जो फर्स्ट ईयर वाले हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं जिसका फ़र्स्ट ईयर पास किया हुआ है वो मीन्स के इंटर में है तो इंटर की रिज़ल्ट आई नहीं है अपीरेंस में वो फॉर्म फिल कर सकते हैं टेस्ट भी दे सकते हैं ठीक है मगर उन उसमें शर्त ये है कि आपका सिक्सटी और सेवेंटी परसेंट फ़र्स्ट ईयर में होना लाजिम है तो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं तो गाइज़ ये रही पाकिस्तान आर्मी जॉइन पाकिस्तान आर्मी ठीक है तो गाइज़ आप हमें सपोर्ट करते रहें इनशाला हम कोशिश करते हैं जितना आपको मटेरियल दे रहे हैं तो इन आपको भी फ़ायदा होगा इस हवाले से हमको दें इजाज़त अल्लाह हाफ